राजधानी में पेयजल किल्लत को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सियासी दबाव बनाना अब शुरू कर दिया है। जी हां, जयपुर शहर भाजपा की ओर से जल भवन पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया और सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल भवन पहुंचे, जहां मटके फोड़कर प्रदर्शन कर विरोध भी जताया गया। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता सिर पर मटके रखे नजर आए और इस दौरान पेयजल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए भाजपा नेताओं ने जल भवन में एडिशनल चीफ देवराज सोलंकी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष मोहन लाल गुप्ता मौजूद रहे। देखिए, राजस्थान में एक संवेदनहीन सरकार काम कर रही है, चाहे पानी का विषय हो, बिजली का विषय हो, आम आदमी से जुड़ी सब समस्या। और पानी ऐसी चीज़ है, हमने कहा वो सुनी है कि बिन पानी सब सून, और इस राजस्थान में 1% पानी है, सबको पता है। उसके बाद भी पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिस्टमेटिक तरीके से पानी देने की व्यवस्था करी थी। अब हालत यह है कि राजस्थान सरकार के मंत्री कहते हैं पानी देने के स्थान पर मटके ही नहीं फूटे, तो पानी की समस्या किस बात की, अभी तक मटके ही नहीं फूटे। आज हालत ये हो गई कि टैंकरों की कालाबाजारी, टैंक जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबवेल के माध्यम से पानी के सप्लाई करने का सिस्टम है, उस सिस्टम को कहाँ हमें वोट अधिक मिले थे इस आधार पर चेंज करने की बात हो रही है। पानी के जो समय उस समय के ऊपर बिजली काट करके लोगों को समस्या खड़ी करने का काम हो रही है। बार बार कहने के बाद भी टैंकर मंगाना है तो कांग्रेस के एजेंट को बात करो, उसको कहोगे वो कहेगा तब पानी आने की बात कही। इस विषय को लेकर के हमने सिविल लाइन्स के विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जल भवन पर प्रदर्शन किया है। सिविल लाइन्स वो क्षेत्र है जहाँ सारी सरकार रहती है, मंत्रियों को पानी की आबाद गति से सप्लाई और आम आदमी त्राही त्राही करता रहे, इसलिए हमने जगाने के लिए जल भवन मुख्य अभियंता महोदय को अपना ज्ञापन दिया है और उनसे कहा कि इसका सिस्टम बना करके ये पानी सब तक पहुँचे, जितना है उसको पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बने, इसलिए ज्ञापन दे करके उनको सही करने की मांग। जिस तरह का पानी के लिए त्राही त्राही मचा हुआ है और आए दिन हम अधिकारियों को और सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं और ये पता था कि विशलपुर में पानी कम है और आज तक उसकी माकूल व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। आज परेशान होकर आज हमारे को यहाँ पर जल भवन में आकर ज्ञापन देना पड़ने की आवश्यकता पड़ी है। जनता जिस तरह से पानी के लिए परेशान हो रही है, महिला वर्ग विशेष करके और जो घरेणी के रूप में वो काम करती है उसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की समस्या रहती है, चाहे वो किचन से संबंधित हो, चाहे बाथरूम से संबंधित हो, चाहे पीने के पानी से संबंधित हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि व्यवस्थित रूप से किल्लत को ख़त्म करें।